तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस एनालिस जनरली कंप्यूटेड फ्रॉम द टू एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट व्हाट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट द वे ऑफ द सैंपल एंड द वे वेट ऑफ ए नॉन कंपोजिशन प्रेसिपिटेट द टू थिंग्स इज आर हि एक तो हमने सैम्पल कितना लिया है और प्रेसिपिटेट कितना बन रहा है वो दोनों हमें पता होना चाहिए जब भी हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर ओवरऑल वैल्यू निकाल पाएंगे द प्रेसिपिटेट वी वे इज यूजली इन ए डिफरेंट फॉम दैट द एलाइट होल्स वेयर वी विश टू फाइंड एंड द प्रिपल ऑफ कन्वर्टिंग द वेट ऑफ द वन सबस्टेंड टू द डेट ऑफ द अनोदर डिपेंडिंग यूजिंग द स्टोक्योमैट्रिक मॉल रिलेशनशिप इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं एक जो पूरी स्टॉक के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन लिख रहे हैं उसको हम यूज में लेंगे एंड वी इंट्रोड्यूस द ग्रेविमेट्रिक फैक्टर एंड रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द एनालाइट पर यूनिट वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट तो पर यूनिट के लिए प्रेसिपिटेट के लिए कितना एनालाइट हमारे पास है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उसी को हम क्या कह रहे हैं ग्रेविमेट्रिक फैक्टर कह रहे हैं ठीक है इट इज ऑप्टेड फ्रॉम द रेशो ऑफ द

किसके लिए हम रहे है? जिसके अंदर क्या है कितना है? उसको हम क्या करेंगे? उसका करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या है याद होनी चाहिए कि कितना, कितना आ रहा है तो परसेंटेज एनालाइट भी हम निकाल सकते हैं जी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे ठीक है तो कितना सैंपल हमारे पास था तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे अपने पास सबसे पहली चीज आती है डेट इज द जी एफ जी एफ मीन द ग्रेव्यूमेट्री फैक्टर ग्रेव्यमेट्री फैक्टर जो हम लिखा रहे तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं पहला हमारे पास फॉर्मुला हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ द एनालाइट जो भी हमने एनालाइट लिया उसका मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया और डिवाइड बाय द मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट क्लियर तो पर मोल के अकॉर्डिंग जो कितना ग्राम है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जैसे तुम निकालते हो वाटर के अकॉर्डिंग कर देते हो एस टू एटीन

अब इसी को हमने रिएक्शन की स्टोकोमेट्री के अकॉर्डिंग हमने आर वैल्यू बोल दी तो आर वैल्यू क्या करे जो हमने बैलेंस रिएक्शन लिखी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इधर प्रेसिपिटेट बना है तो प्रेसिपिटेट का एक मोल बना तो उसके लिए एनालाइट के कितने मोल चाहिए हुए तो वेयर आर इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट ठीक है वो किसके लिए जो एक मोल प्रेसिपिटेट के लिए जरूरत पड़ी क्लियर अब इसको अपन ऐसे कंसिडर करें कि कोई रिएक्शन इधर हो रही है अपने पास तो अपने पास रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे अपने पास एनालाइटेड का मान लो इधर थ्री ए है और इधर जो प्रेसिपिटेट बनता है वो अपने पास सी है ठीक है जो कि वन है तो हम अब क्या करेंगे वन मोल तो अपन ने बैलेंस किया तो सी अपने पास कितना है उसके आगे कोई नंबर नहीं है मतलब वन मोल है इधर कितने से बन रहा है वो थ्री ए अपने पास है तो एनालाइट के अगर हमने मान लिया तो थ्री तो इसके अकॉर्डिंग वन मोल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास थ्री के अकॉर्डिंग अगर देख रहे तो वन बाई थ्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो अगर ये थ्री के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं ठीक है ठीके? और अगर इधर उल्टा होता तो अपने पास क्या हो जाता वन बाई थ्री मतलब एक यूनिट के लिए अपने पास कितना मोल अपने पास एनालाइट चाहिए उसी को हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर की वैल्यू कब लिख रहे हैं जबकि हम कंसिडर क्या कर रहे हैं मॉल को मॉल को कंसिडर करने का मतलब क्या कर रहे हैं रिएक्शन की को हम बैलेंस करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं उसके आगे जो वन टू थ्री जो भी बैलेंस करने के लिए लिख रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग रहे मॉल के अकॉर्डिंग इसीलिए ये फैक्टर आर कब आएगा अपने पास जबकि मॉलिकुलर वेट ही हम यूज कर रहे हैं अगर हम डायरेक्टली ग्राम में वेट यूज कर रहे हैं तो वहां पे उस कंटीडेंट में आर से इंटू नहीं कर देंगे तो ये पीछे की साइड जो इतने पास है ग्राम एनालाइट कितना हुआ प्रेसिपिटेट कितना हुआ तुमने आठ ग्राम लिया तो आठ ग्राम तुम्हारे तुम्हें बताता हूं। कोई अपन रिएक्शन कर रहे हैं ठीक है ठीके? कोई एनालाइट किया जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या है अपने पास एनालाइट के फॉर्म में फॉस्फोरस है अब फॉस्फोरस को अगर तुम किसी रिएक्शन से करा के अपने पास में यहाँ पे सिल्वर फाटफेर के फॉर्म में तुम प्रेसिपिटेट को फाइंड आउट कर रहे तो यहां पे अपने पास जीएफ फैक्टर क्या हो गया जो तुमने पास पहले बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कह रहे हो तो बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो फास्कोरस अपने पास वन मो... अपने पास है यहाँ पे ठीक है इसी के अकॉर्डिंग अपने पास ये वन है बैलेंस रिएक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो ये अपने पास इसके आगे भी वन आता है इसके आगे भी वन आ गया अपने पास अगर बैलेंस रिएक्शन इस ट्योमेट्री के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो इसका प्रेसिपिटेट का जो अपने पास वेट है मोलिकुलर वेट कितना हो गया फोर वन नाइन फोर वन नाइन इसके ऊपर अपने पास फास्फोरस है जो एनालाइट अपने पास कितना है जिसको फाइंड आउट करके हम पूरे ओवरऑल सैंपल को निकाल सकते हैं तो वो अपने पास क्या है फास्फोरस है तो थर्टी वन अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी निकाली अगर अपने पास अगर इसकी स्टोक्योमैट्री यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखी हुई है मगर मैं बता रहा हूँ कि अगर ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता तो वन फास्फोरस से अपने पास वन ही ए बन रहा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वन होगी तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग जी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं सेकेंड केस में अगर हम देख रहे हैं कोई so रिएक्शन अपने पास इस तरीके से बैलेंस है अपने पास कहा गया ये रहा ठीक है तो इस तरीके से अगर बैलेंस कर रहे हैं ये अपने पास वन मोल इसका ये वन मोल तो इसका मोलिकुलर वेट सबसे पहले एनालाइट क्या था तो वन उसके बाद ये बना तो इसका फोर वन पे रेशो कितना हो गया वन इसी के अकॉर्डिंग अगर इसका निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है प्रेसिपिटेट जो बन रहा है प्रेसिपिटेट में अगर हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पे जो अपने पास है बैरियम अपने पास है ठीक है तो बेरियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर इसको बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखे तो इसका मोलिकुलर वेट इतना हो गया और यहाँ पे जो एनालाइट के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं वो अपने पास ही अपने पास सी अपने पास हो गया, बेरियम सल्फाइड इसका मोलिकुलर वेट अगर बेरियम सल्फाइड का देख रहे तो बी लिखा है यहाँ बिस्मत गलत है वो ठीक है तो उसको सही देख लेना तो यहाँ पे अपने पास फाइव अब इसको अगर अपन बैलेंस करते हैं मान लो तो इसका थ्री होता है तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो गया वन बाई थ्री फोर के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन करो एल्यूमिनियम यहां पे वन है यहां पे अपने पास क्या है टू है ठीक है तो टू के अकॉर्डिंग हमने यहां पे कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पे अपने पास टू फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने यहां पे तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से जी फैक्टर निकाल लेंगे अभी इसको और अपन समझते हैं वो तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे वापस देखो इसको तो सबसे पहली चीज हम क्या करें परसेंटेज निकालना तो परसेंटेज का के केस वही सिंपल है कितना सैंपल लिया अपने आप में एनालाइट के अकॉर्डिंग और कितना अपने पास बन रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं वेट ऑफ द एनालाइटेट और वेट ऑफ द सैंपल उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकाल सकते हैं तो ये सिंपल जो परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन तुमने करा है उसी तरीके से हमने इसको निकाल दिया पहले कितना था प्रेजेट कितना है परसेंटेज कितना निकला ठीक है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख सकते हैं जो कि हमने यहाँ देखा

तो यहाँ पे क्या हो गया वेट ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ जी एफ तो बाई तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम जी एफ कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं ग्राम एनालाइट इनटू ग्राम प्रेसिपिटेट कितना ग्राम में एनालाइट था कितना हमारे पास प्रेसिपिटेट था उसको हमने क्या बोल दिया उसके अकॉर्डिंग जी एफ वैल्यू कह दिया क्लियर तो यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक फैक्टर हमारे पास मिल गया उसको प्रेसिपिटेट जो हमारे पास वेंग होकर आ रहा है वो हमें पता है सैंपल कितना लिया है तो परसेंटेज भी हम इजीली निकाल सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसके अंदर हमने दो प्रोसीजर यूज किए एक तो रिएक्शन की के अकॉर्डिंग अगर किसी को फॉर्मूला समझ में नहीं आता है तो एक बैलेंस रिएक्शन बनाओ कितना कितना मोल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां से भी वो अपने आप में कैलकुलेशन करके निकाल सकता है ठीक है परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना चाहे तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे जीएफ के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं तो जीएफ क्या है अपने आप एक रेशो ही तो है अपने पास वाला जिसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस कर रहे हैं कि एक प्रेसिपिटेट के मोल के लिए हमारे पास कितने एनालाइट की जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं तो नेक्स्ट इसमें पास में लास्ट टॉपिक अपने पास आता है ग्रेमेट्री के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन ऑफ बैरियम सल्फाइड जो कि हम क्या कह रहे हैं एक प्रैक्टिकल का पार्ट है इसको हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे मगर यहाँ पे हम थोरेटिकली थोड़ा सा बेसिक फॉर्म में इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या रहे हैं जब भी हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो क्या करते हैं एस्टिमेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करें द एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द बैरियम इन द हॉल ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द बैरियम क्लोराइड तो हमारे पास मान लो कोई अपने पास कोई सैंपल है उसके अंदर बैरियम को हमको निकालना है अब किसी भी फॉर्म में वो हो, तो उससे हम क्या करेंगे पहले बैरियम को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर कितनी इम्प्यूरिटीज हैं कितना क्या है सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ओवरऑल बेरियम को निकालना है मतलब उसको हमें किसी प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमें करना पड़ेगी तो गिवम बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज मेड अप टू डिफाइंड वॉल्यूम मेजर वॉल्यूम ऑफ इट इज ट्रीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड बैरियम सल्फेट तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया अगर हमारे पास कोई सैंपल के अंदर बैरियम क्लोराइड है H2S4 से किया तो बेरियम सल्फाइड बन जाएगा बेरियम सल्फेट बनते हमारे पास क्या हो गया? उसका का हो गया गया उसका का जो कि हमें के के समझना है 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 ठीक तो तो ये हमारे पास है। तो बेरियम, बेरियम सल्फेट के में आ गया क्लियर। इसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज सेपरेटेड एंड वेट अब जो प्रेसिपिटेट बन गया तो हम वापस क्या कर रहे हैं जो ग्रेविमेट्रिक में पड़ा उसी को हम यहाँ अप्लाई कर रहे तो जो भी प्रेसिपिडेड है उसको हमने क्या कर लिया सेपरेट कर लिया फिल्टर पेपर के अकॉर्डिंग उसको वे कर लिया मास ऑफ ऑफ द द द बेरियम इन होल गिवन इज कैलकुलेट दैट तो उसको हमें क्या करना है, कर देना है. अब कैलकुलेट कैसे करना है वापस रिएक्शन की स्ट्रोक्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग कि बेरियम सल्फेट का एक मोलिक्यूल्स है तो उसका वेट कितना है अपने पास मोलिकुलर वेट दूसरा बेरियम है तो उसका मोलिकुलर वेट कितना है तो एक रिएक्शन की स्ट्रोक्योमेट्रिक लिखनी है जो कि हमने यहाँ बनाई हुई है तो इसमें भी हम किसको देख रहे हैं इसको बेरियम को ठीक है तो यहाँ पे हम बेरियम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्लोराइड वाला हम पूरा नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर बेरियम निकाल रहे हैं तो इसके अंदर कितना क्लोराइड है अब एक तो तरीका क्या होता है कि इतना प्रेसिपिटेट है तो उसका कितना होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया अब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड फाइंड आउट हो गया तो बेरियम क्लोराइड के एक मोल के अंदर कितना बेरियम है उसको फाइंड आउट कर लेंगे क्लियर और उससे फाइंड आउट करके हम बेरियम को यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं

Add the 5 ml 2 an SCl is added and dilute to the 150 ml with the distilled water. And the solution is heated to the boil, boiling and a hot solution of 4 nh 2 S2SO4. 10 to 15 ml is added drop by drop with constant stirring till the precipitate is completed. The solution containing the precipitate is heated in a water bath.

एम एल वाला जो बीकर है उसके अंदर उसी के अंदर हम क्या करेंगे फाइव एम एल हमने क्या कर दिया एस सी एल डाल दिया फिर उसको डायल्यूट कर दिया वन फिफ्टी था फिर उसको डायल्यूट करने के बाद में उसी को हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर हम हॉट फॉर्म में फोर एन एस टू एस ऑफ डाल रहे हैं दस से पंद्रह एम एल डोज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग कर रहे हैं क्यों स्टेयरिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्रेसिपिटेट बना रहे हैं और उसका डाइजेशन भी कर रहे हैं <coughs> डाइजेशन करने के लिए हम उसको हॉट कंडीशन में रख रहे हैं वाटर बाथ के ऊपर फाइव मिनट के अंदर और उसके बाद उसको एक घंटे के लिए हम रख देंगे तो हम क्या करें प्रेसिपिटेट बनने का उसको ओवरऑल टाइम दे रहे हैं फिर प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लिया वॉट्समैन फिल्टर पेपर के अकॉर्डिंग और जब तक वो वेट कांस्टेंट नहीं हो जाता तब तक हम उसको इग्निट करते रहेंगे और कांस्टेंट वेट होने के बाद में इग्निट करने के बाद में हम प्रेसिपिटेट का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे जैसा कि हमने ग्रेविटिक एनालिसिस के अंदर पढ़ा है वही चीज़ है द प्रेसिपिटेट इज वॉश विथ हॉट

इलेक्ट्रिक बर्नर एंड ट्रांसफर टू दूल्ड एंड अपने आप में ओवरऑल हम क्या समझे mm -hmm. जो बेसिक के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है सोल्यूशन को बनाया जहाँ पे उसके बाद में उसके अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हमने डाला एस टूस प्रेसिपिटेटिंग के बाद में हमने हमारे पास स्टेप था डाइजेशन उसको हमने हीटअप करके डाइजेस्ट किया और प्रेसिपिटेट बनने के लिए एक घंटे के लिए छोड़ा फिर फिल्टर ऑफ करा फिल्टर करने के बाद में उसको इग्नीट कर लिया ठीक है इग्निट कर लिया क्रूसी वल के अंदर और जब उसका कॉन्स्टेंट वेट आ जाता है वहाँ पर उसके बाद हम उसको इग्निट करना छोड़ देते हैं और उस वेट को प्रेसिपिटेट को हम प्योर फॉर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को हम कैलकुलेट के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो Crucible का वही जो पहले क्रूसिबल था जब जब उसके अंदर हमने सैंपल सैंपल नहीं रखा उस में। जब रखा उस उस कंडीशन कंडीशन में में दोनों को उसका मोलिकुलर वेट कितना है और जो बेरियम है जो हमने स्टोक्योमेट्री से निकाला था वो कितना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बेरियम सल्फेड और बेरियम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं तो यही हमारे पास ओवरऑल है इसके बाद में ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है हमारे पास कि बेरियम अपने पास सैंपल के अंदर कितना है ठीक है तो इस तरीके से हमने ग्रेवेटिक एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया <coughs> यहाँ पे मैंने एक टेक लाइन लिखी है तुम सबके लिए ओनली यू कैन डू योर बेस्ट अगर तुम अपने भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता तुम सोचो कि जब ही पढ़ सकते हो तो ओवरऑल थैंक यू I had completed the gravimetric analysis ke according to gravimetric. Thank you.